कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। ये राष्ट्रहित का बजट होगा, पंकज चौधरी ने ये अपना ताजा स्टेटमेंट दिया है। ये आपको इस समय का पंकज चौधरी जो कि वित्त राज्य मंत्री हैं, उन्होंने ताजा बयान जो दिया है जिसमें उन्होंने बड़ी बात कही है कि ये राष्ट्रहित का बजट होगा, हर वर्ग का बजट में ख्याल रखा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए आज जो बजट पेश किया जा रहा है सबकी निगाहें आज इसी बजट पर टिकी हुई हैं। ना सिर्फ देशवासी बल्कि विपक्ष में बैठे हुए नेता भी जो हैं वो कड़ी नजरों से और बड़ी उम्मीदों के साथ आज के बजट को देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि सरकार किस तरह से 2047 के लिए जो विकसित भारत का एजेंडा लेकर चल रही है उसमें किस तरह का रोडमैप आज जनता के सामने, देश के सामने पेश करती है। तो इस पर निगाहें ना सिर्फ आज पूरे देश की बल्कि सरकार को हर वक्त हर मोमेंट पर घेरने वाला विपक्ष जो है वो भी नजरें गड़ाए बैठा है। इस समय की तस्वीरें आपको ये दिखा रहे हैं, ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं, ताजा अपडेट के साथ आपको बता रहे हैं, जहां थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगी वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। मंत्री जी का जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास, और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि सदैव बजट राष्ट्रहित में आता है उसी प्रकार से ये भी बजट आएगा। मोदी जी का बजट सबका साथ सबका विकास के मंत्र से आता है, जिस आधार पर है और सबकी पूरी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भरा दिन है। अब देखना यह होगा कि सरकार किस तरह से हर वर्ग को खुश करती है, जिसमें हर वर्ग को उम्मीद है कि उनको कुछ ना कुछ आज के बजट में जरूर मिलेगा। हालांकि आपने 7 जून को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना था तो उन्होंने साफ तौर पर देश के मध्यम वर्ग का जिक्र किया था, मिडिल क्लास का जिक्र किया था कि भारत की नींव अगर कोई है तो वो देश का मध्यम वर्ग है। तो अब ऐसे में देखना ये होगा कि उम्मीदें जो आज मध्यम वर्ग लगाए बैठा है कि वो फोकस में रहने वाले हैं, मिडिल क्लास आज के बजट में फोकस में रहने वाला है, क्योंकि उनको ये उम्मीद है कि 7 जून के संबोधन में पीएम मोदी ने मिडिल क्लास को देश के लिए विकास का चालक बताया था, उनकी भलाई और सुविधा हमारी प्राथमिकता है, ये पीएम ने कहा था। उन्होंने कहा था कि मिडिल क्लास कैसे कुछ बचत कर सके और उनकी जिंदगी को और कैसे आसान बनाया जा सके, इसी दिशा में हम नीति बनाएंगे। अब इससे संकेत ये ले सकते हैं आप कि सरकार के आज के बजट में मिडिल क्लास को कुछ राहत जरूर मिलेगी। उम्मीदों भरा दिन है ये, और आप ये मान के चलिए कि आज के बजट से आगामी 5 साल का आप रोडमैप और 2047 तक का जो विकसित भारत का एजेंडा मोदी सरकार का है, एनडीए का है, उसकी झलक आप आज के बजट में जाहिर तौर पर महसूस कर पाएंगे। लेकिन ये अब से थोड़ी देर के बाद ठीक 11 बजे तस्वीर साफ हो पाएगी। तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं अमृतकाल का ये बजट, जो पीएम मोदी ने कल के अपने संबोधन में कहा है किस तरह से अमृतकाल का ये बजट बनता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच रही हैं, पंकज चौधरी उनके साथ, वित्त राज्य मंत्री भी इस समय मौजूद हैं, जिनका बयान इस समय सुन रहे थे कि ये बजट जो है राष्ट्रहित का बजट रहने वाला है।